हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा आप सभी के लिए एक और नई ड्राइंग लेकर आ गई हूँ। इस ड्राइंग में मैं आपको राजा के बारे में दिखाऊंगी। राजा एक बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है, इसे ओडिशा में बनाया जाता है। ये 3 दिन तक पाला जाता है और इसको इसमें लड़कियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी बच्चे बच्चे या फिर जो बड़े भी हो जाते हैं, वो लड़कियाँ सजती हैं, संवरती हैं और जो स्विंग बोलते हैं पार्क्स में होते हैं, वो कपड़ों से मतलब मम्मियों की साड़ियों से ये बनाते हैं और लड़कियां उन पर झूलती हैं या फिर कोई लंबी रस्सी से, लंबी मोटी रस्सी पर वो तकिया डालकर झूलते हैं। और इस ये फेस्टिवल मैंने आपको जैसे बताया बहुत प्यारा है। इसे 3 दिन तक पाला जाता है और ये मिथुन संक्रांति है। इस मिथुन संक्रांति पर इसे मनाया जाता है और इसमें लड़कियां जो होती हैं बहुत एंजॉय करती हैं। और इसी के लिए मैं आज एक ड्राइंग लेकर आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर काट लिया है और मैंने यहाँ पर 1 cm छोड़ा है ऊपर नीचे और साइड साइड में भी। अब मैं यहाँ पर मैंने रेड, आज मैं सिर्फ प्लास्टिक क्रेयॉन्स का यूज़ कर रही हूँ। रेड और पिंक का मैंने यूज़ किया है। टिश्यू पेपर आप चाहे तो ले सकते हैं जस्ट कवर करने के लिए, ये ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये प्लास्टिक कलर्स हैं। मैंने रेड और पिंक का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो कलर हैं उसे मिक्स करके देखिए एक छोटे से पेपर में, अगर वो मिक्स होता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं पिंक और रेड की जगह। तो मैंने यहाँ पर हाफ रेड दे दिया है और हाफ पिंक दे रही हूँ। आप इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे सिर्फ देखना है कि वो मैच कर रहा है एक और कलर को क्या, क्योंकि यहाँ पर आप 2 से 3 कलर दें तो ये अच्छा दिखता है, सुंदर दिखेगा। और व्यूअर्स, इस पर्व में ये जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें या फिर कोई भी गांव में ये पर्व में पर भी छोटे छोटे बच्चों के पास कॉम्पिटिशन होते हैं, छोटे छोटे उनके माता पिता होते हैं जिसमें कबड्डी खेला जाता है और एक फ्रॉग जो गांव वालों का एक होता है बच्चे कबड्डी का, उसको एक जगह बोलते हैं फ्रॉग जंप के जैसे, फ्रॉग जंप की तरह बैठ कर वैसे वो एक ही जगह पर उछलने जैसे होता है, उसे फ्रॉग जंप की तरह करते हैं। ये गेम्स इन खेलों का में करते हैं ये। और इस ये पर बहुत ही प्यारा है ये, ज़्यादातर ये लड़कियों को बहुत पसंद होता है। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर पेड़ बना दिया है। मैं इनके लीव्स और इसे डार्क भी करूँगी, यहाँ पर मैं इसे डार्क कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, आप इसे क्रेयॉन से भी कर सकते हैं या फिर एक पेंसिल मिलता है वो, उसका उस पेंसिल का नाम है, इस पेंसिल का नाम है 6B का एक आता है, ये ड्राइंग पेंसिल आता है। ये आप अगर खरीदेंगे ये डार्क, बहुत डार्क होता है और इस तरह के ड्राइंग्स में ये काम आ सकता है। यहाँ पर हम उसे छोड़ छोड़ कर लीव्स बनाएंगे।
इसके पीछे हम पत्थर बनाएंगे इस पेड़ के पीछे, और या राइट साइड में जो खाली जगह हमने छोड़ा है वहाँ पर थोड़े से छोटे छोटे कुछ प्लांट्स बनाएंगे, नीचे भी थोड़े से घास फूस जैसे कुछ प्लांट्स बनाएंगे, और दो बच्चों को बनाएंगे डांस करते हुए दो बच्चों को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने झूला बना दिया है, और अब यहाँ पर एक लड़की या फिर कोई किसी को भी बैठा दिया है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मैं यूज़ कर रही हूँ उस पेंसिल को, 6B पेंसिल को। यहाँ पर एक मैन बनाएंगे टोकरी में कुछ ले जाते हुए, मतलब इस जैसे ये समर के सीज़न में होता है, तो आपने एक राजा का सॉन्ग ज़रूर सुना होगा, उसमें कहते हैं कि जो जैक फ्रूट्स होते हैं जब वो बिल्कुल येलो आम जैसे होते हैं, पचे आम जैसे, मतलब वो जब रॉ नहीं होते हैं, रॉ होते वक्त जैक फ्रूट्स को हम रसोई करते हैं, अगर वो रॉ नहीं हो रॉ उसके बाद जब वो मैंगो की तरह हो जाते हैं, मतलब थोड़ा रॉ नहीं रहते, तभी उनको उनमें से एक सीड्स आते हैं, उनके उन सीड्स के ऊपर एक येलो कोटिंग रहता है, उसको खाते हैं, और सीड्स को सुखा कर कुछ करी के टाइप बनाते हैं। और मैंगोज़ तो आप सभी को पता होगा, मैंगोज़ को फ्रूट्स का राजा माना जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं पत्थर बना रही हूँ, ये पत्थर मैंने बना दिया हूँ थोड़े से वहाँ पर अंदर रियल की टाइप दिखने के लिए, थोड़े से स्केच कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक लड़का बना दिया, अब लड़की एक लड़की बनाएंगे, तो इसमें हम दो टाइप छोटे छोटे जूड़े के टाइप बनाएंगे, मतलब जो चोटी बांध कर जो कुछ लोग जूड़ा बनाते हैं, चोटी दो साइड में जो चोटी और जूड़ा बनाते हैं, फिर इसे चोटी के तरह भी आप दे सकते हैं, वो हम लोग जो बनाते हैं बेड़ी उससे आप लगा बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, से मैंने यहाँ पर घास को डिज़ाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर बीच में एक घास बनाया है, ये बहुत मोटा हो गया, आपको इसे थोड़ा सा पतला बनाना है, मतलब उसके डालियाँ जो जैसे डालियों के टाइप बनाया है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो हम इसे पिंक कलर से थोड़ा सा कोटिंग कर देंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा बना देंगे। तो व्यूअर्स, मैं इसमें बॉर्डर नहीं दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। सो व्यूअर्स, कैसे लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पास में रहे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।